Hello everyone, welcome to Learning Sthan, learn to know and know to learn. Friends, आज के लेक्चर में हम मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स सब्जेक्ट से पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, उन्हें हम इस सब्जेक्ट के बाद कंप्लीट करेंगे. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 1, अ डायनेमोमीटर टाइप वॉट मीटर कैन बी यूज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. पूछा गया है कि एक डायनेमोमीटर टाइप या इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वॉट मीटर किस तरह की सप्लाई पे यूज होता है. ऑप्शंस हैं डीसी ओनली, एसी ओनली, रेक्टिफाइड एसी ओनली या फिर एसी एज वेल एज डीसी. सभी टाइप के इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप या आप इसे डायनेमोमीटर टाइप कह सकते हैं, ये सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स एसी और डीसी दोनों पे वर्क करते हैं. चाहे वो एम मीटर हो, वोल्ट मीटर हो या वॉट मीटर हो, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स एसी और डीसी दोनों टाइप की सप्लाई पे यूज होते हैं. देयरफॉर ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर आप वॉटमीटर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को नोट कर सकते हैं. वॉटमीटर में दो तरह की कॉइल्स होती है. वन इज फिक्स्ड कॉइल, जिसे कि करंट कॉइल भी कहते हैं, और ये फिक्स्ड कॉइल लोड करंट को कैरी करती है. और दूसरी होती है पोटेंशियल कॉइल, जिसे मूविंग कॉइल भी कहते हैं. और वॉटमीटर के केस में ये पोटेंशियल कॉइल हाईली रेजिस्टिव होती है. वेयर एज अगर आप एनर्जी मीटर की बात करें तो एनर्जी मीटर में जो पोटेंशियल कॉइल होती है दैट इज हाईली इंडक्टिव. ऑलराइट, वॉट मीटर की पोटेंशियल कॉइल हाईली रेजिस्टिव होती है और एनर्जी मीटर की पोटेंशियल कॉइल हाईली इंडक्टिव होती है. इस तरह का डायग्राम होता है वॉट मीटर का. ये है करंट कॉइल एंड दिस इज द पोटेंशियल कॉइल. करंट कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड एंड पोटेंशियल कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई. और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए. ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि करंट कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं दे आर लेस और पोटेंशियल कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं, दे आर लार्ज इन नंबर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट. इनमें से कौन सा एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है. ऑप्शंस आर वॉटमीटर, वॉटमीटर इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है. नेक्स्ट इज एनर्जी मीटर. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. एनर्जी मीटर इज इंटीग्रेटिंग टाइप मीटर. एंड ऑप्शन सी इज पावर फैक्टर मीटर, ये भी एक इंटीग्रेटिंग टाइप मीटर नहीं है. वॉटमीटर के अलावा एम मीटर और वोल्ट मीटर भी इंडिकेटिंग टाइप मीटर्स होते हैं. एंड एनर्जी मीटर इज इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, द स्केल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज. मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का स्केल किस तरह का होता है. आंसर इज ऑप्शन बी क्रैम्प्ड. मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है दैट इज नॉन लीनियर और क्रैम्प्ड स्केल, क्योंकि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है थीटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट टू बी मेजर्ड. इसलिए डिफ्लेक्शन वर्सेस करंट का जो ग्राफ होगा दैट विल बी नॉन लीनियर और देयरफॉर द स्केल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज नॉन लीनियर टाइप और इट इज कॉल्ड क्रैम्प्ड स्केल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, अ डीसी एमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम एंड करंट रेंज इज 0 to 100 एम्पेयर. If the range is to be extended to 0 to 500 ampere, then the meter requires shunt resistance of what? Question में given है कि एक DC ammeter का resistance है 0.1 ohm, यानि कि meter resistance की value given है 0.1 ohm, और उसका current range given है 0 से 100 ampere, that means meter का current है 100 ampere. पूछा गया है कि अगर उसकी रेंज को हम 500 एम्पीयर्स तक एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फिर एम मीटर के साथ कनेक्ट होने वाला जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ये क्वेश्चन एम मीटर के एनहांसमेंट से रिलेटेड है. एम मीटर की रीडिंग को एनहांस करने के लिए मीटर के साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वैल्यू मीटर रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए. और यहाँ हमें
इसी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है एंड दिस शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मीटर रेजिस्टेंस Rm डिवाइडेड बाय m माइनस 1 और ये m मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है विच इज गिवन बाय I डिवाइडेड बाय m. I मींस जो एनहांस्ड रेटिंग है 500 और Im है जो मीटर का एक्चुअल रेंज है दैट मींस 100. सो 500 डिवाइडेड बाय 100 दिस इज 5. तो जब हम यहाँ Rm और m की वैल्यूज को पुट करेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 तो दिस विल कम आउट टू बी 0.025 ओम. RSH की वैल्यू आ जाएगी 0.025 ओम. यहाँ ऑप्शन सी में गिवन है 0.025, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर व्हाट. मेगर को हम किस चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मेगर. इसे हम सबस्टेशंस में पावर केबल, मोटर, ट्रांसफार्मर या जनरेटर के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ ऑप्शन बी में गिवन है दैट दिस इज यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस. दिस इज द करेक्ट आंसर. और मेगर के अलावा दो और मेथड्स हैं जिससे कि हाई रेजिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है. वो दो मेथड्स हैं लॉस ऑफ चार्ज मेथड और डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड. इन दो मेथड से भी हाई रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. विच इंस्ट्रूमेंट हैज द लोएस्ट रेजिस्टेंस. इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है. ऑप्शंस आर एमिटर, वोल्टमीटर, मेगर एंड फ्रीक्वेंसी मीटर. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, एमिटर. किसी भी आइडियल एमिटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होती है क्योंकि एमिटर को हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट और इसलिए एमिटर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप या पावर लॉस नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो. इसलिए एमिटर का रेजिस्टेंस इट शुड बी जीरो आइडियली एंड वेरी लो प्रैक्टिकली. इसलिए एमिटर का रेजिस्टेंस वैल्यू सबसे कम होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. द मूविंग कॉयल इन अ डायनामोमीटर वॉटमीटर इज कनेक्टेड. पूछा गया है कि डायनामोमीटर टाइप वॉटमीटर में मूविंग कॉयल को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉटमीटर में दो तरह के कॉयल्स होते हैं. वन इज करंट कॉयल और दूसरा है मूविंग कॉयल जिसे कि पोटेंशियल कॉयल भी कहते हैं और करंट कॉयल को फिक्स्ड कॉयल कहते हैं. और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस मूविंग कॉयल को हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं. तो मूविंग कॉयल इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई. ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. और अगर आपको पूछा जाए कि करंट कॉयल को किस तरह से कनेक्ट करते हैं तो करंट कॉयल जो है दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड. ऑलराइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर. वोल्टमीटर की रेंज को इंक्रीज करने के लिए इनमें से क्या किया जाता है. वोल्टमीटर एनहांसमेंट के लिए या वोल्टमीटर की रेंज को इंक्रीज करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस को मीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है जिसे मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस कहते हैं और ये रेजिस्टर मैंगनीन से बना होता है. तो यहाँ पर ऑप्शन सी में गिवन है दैट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अ वोल्टमीटर अ हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज. देयरफॉर ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर. और इस सीरीज रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दिस इज गिवन बाय मीटर रेजिस्टेंस Rm मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर m माइनस 1. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. द कंट्रोलिंग टॉर्क इन ग्रेविटी कंट्रोल मीटर इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ग्रेविटी कंट्रोल के रिगार्डिंग पूछा गया है कि कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल होगा. ग्रेविटी कंट्रोल्ड मीटर्स में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए एक वेट को यहाँ हैंग किया जाता है एंड दिस कंट्रोलिंग टॉर्क इज गिवन बाय मास इनटू ग्रेविटी मींस वेट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा. थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. तो यहाँ से जो कंट्रोलिंग टॉर्क है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. देयरफॉर ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. जनरली कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए स्प्रिंग कंट्रोल मेथड को यूज किया जाता है लेकिन इन केस ऑफ
Vertically mounted instruments, we use gravity control method to provide controlling torque. यहाँ आप controlling torque के बारे में दो points को note कर लीजिए कि जब controlling torque और deflection torque की value equal हो जाती है, तब controlling torque जो है, it helps to keep the pointer at balanced position. और जब deflecting torque absent हो जाती है, means there is no deflecting torque, उस केस में जो controlling torque है, वो pointer को वापस zero initial position पे लेके आती है. और spring control method में जो controlling torque है, that is equal to K into theta. K is the spring constant and theta is the angle of deflection. That means कि अगर आपसे पूछा जाए कि spring control method में controlling torque किसके proportional है, तो तब answer होगा that TC is directly proportional to theta in case of spring control method. और यहाँ पर gravity control method के बारे में पूछा गया है, so gravity control में controlling torque is proportional to sine of angle theta. Next is question number 10. An ammeter is obtained by shunting 30 ohm galvanometer with 30 ohm resistance. What additional shunt should be connected across it to double the range? Question में given है कि एक galvanometer जिसका resistance 30 ohm है, उससे हमने एक ammeter design किया है by connecting 30 ohm resistance parallel with that galvanometer. यानि कि इस galvanometer के साथ एक parallel में 30 ohm का resistance connect करके हमने इससे एक ammeter design किया है. और अब question में पूछता है कि अगर हम इस ammeter की range को double करना चाहते हैं, तो हमें जो additional shunt resistance यहाँ connect करना पड़ेगा, उसकी value आप बताइए. तो देखिए, suppose initially जब हमने एमीटर को डिजाइन किया है इस गैल्वेनोमीटर से, IM इज द मीटर करंट जो कि गैल्वेनोमीटर में से पास करने वाला करंट है, और I इज द करंट टू बी मेजर्ड. ये जो 30 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, इसे हम RSH 1 ले लेते हैं. सो एज यू नो दैट दिस शंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय मीटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन फैक्टर माइनस 1. यहां से अगर आप मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो दिस विल कम आउट टू बी 2. That means, इस गैल्वेनोमीटर से जब हमने एमीटर को डिजाइन किया, तभी हमारे पास M की जो वैल्यू थी, that was 2. और अब क्वेश्चन में कहता है कि इस एमीटर की रेंज को हमें डबल करना है. That means, कि जब हम इसकी रेंज को डबल करने के लिए एक एक्सटर्नल शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आएगा, से M डैश, वो हो जाएगा 4. अब जो ये करंट है, this is I dash और IM तो सेम ही रहेगा. So this M dash is equal to I dash upon IM which is equal to 4. And suppose this is RSH 2 और ये RSH 2 और ये 30 ohm. Both are connected in parallel. तो ये complete shunt resistance will be given by meter resistance divided by M dash minus 1. और RM यहाँ पर 30 ohm है, M dash is now 4 minus 1, this will be 30 divided by 3 equal to 10, यानि कि RSH 2 और 30 ohm का parallel combination की जो value है, that is equal to 10, तो यहाँ से हम RSH 2 की value calculate कर सकते हैं, this parallel combination is equal to RSH 2 multiplied by 30 and divided by RSH 2 plus 30 is equal to 10. और यहाँ से जब आप RSH 2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो this will come out to be 15 ohm. That means option A here is the correct answer. Next is question number 11. Swamping resistance is used to compensate error due to what? Swamping resistance को हम क्यों use करते हैं? Ammeters के केस में temperature change होने की वजह से meter का resistance vary करता है, जिसके वजह से एमीटर में से फ्लो होने वाला करंट IM ये भी चेंज हो जाता है, और इसकी वजह से एमीटर की रीडिंग में एरर प्रोड्यूस होता है. तो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है, उसको अवॉइड करने के लिए मीटर के साथ सीरीज में एक स्वैम्प रेजिस्टर कनेक्ट किया जाता है, और ये स्वैम्प रेजिस्टर मैंगनीन से बना हुआ होता है, जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत ही
कम होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर का इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से होने वाले एरर को रोकने के लिए एमिटर्स में स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ यही पूछा गया है कि जिस एरर को कंपनसेट करने के लिए स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस को यूज करते हैं, वो एरर किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, टेम्परेचर वेरिएशंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेगर को हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। देयरफॉर ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। मैच द आइटम्स गिवन इन लिस्ट 1 एंड दोज इन लिस्ट 2, और लिस्ट 2 में दिया है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिलेक्ट योर आंसर यूजिंग कोड्स गिवन इन द लिस्ट। दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 में कुछ एलिमेंट्स गिवन है और लिस्ट 2 में टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है। हमें इन्हें करेक्टली मैच करना है। फर्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज अ मेटल और ये एक कंडक्टर है, और कंडक्टर्स का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो ए को हम क्यू से मैच करेंगे। नेक्स्ट है मैंगनीन। इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ही लो वैल्यू होता है, दैट मीन्स इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, तो मैंगनीन को हम पी से मैच करेंगे। एंड लास्ट इज कार्बन। एंड कार्बन इज अ सेमीकंडक्टर जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव वैल्यू होता है, दैट मीन्स सी को हम आर से मैच करेंगे। तो यहाँ ऑप्शंस में ऑप्शन बी को आप देखिए, ए मैचेस विद क्यू, बी मैचेस विद पी एंड सी मैचेस विद आर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मीनिंग आप समझ लीजिए। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहने का मीनिंग है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इन जनरल डैश विद टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंसुलेशन रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है। ऑप्शंस हैं दैट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इंक्रीजेस रैपिडली, इंक्रीजेस स्लोली और इट डज नॉट चेंज। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है, दैट मींस टेम्परेचर राइज होने से इसका रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा। तो ऑप्शन ए सेज दैट द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस विद टेम्परेचर राइज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज व्हाट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का SI यूनिट पूछा है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का SI यूनिट इज जूल। वॉट सेकंड और किलोवाट आर भी एनर्जी के यूनिट्स ही होते हैं, लेकिन ये SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट इज जूल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स पोजेसेस द लीस्ट रेजिस्टिविटी। ऑप्शंस आर आयरन, मैंगनीन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, कॉपर। कॉपर के रेजिस्टिविटी की वैल्यू इनमें से सबसे लीस्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। अ करंट ऑफ I इज इक्वल टू 6 + 10 sin 100 πt + 20 sin 200 πt is flowing through a series combination of PMMC and moving iron instrument. Ratio of two currents as registered by moving iron and permanent magnet moving coil meter is what? Question mein given hai ki ek PMMC instrument aur ek moving iron instrument dono series mein connected hain aur current I is series combination mein se फ्लो कर रहा है, तो हमें मूविंग आयरन और पीएमएमसी में से फ्लो होने वाले करंट का रेशियो फाइंड आउट करना है। पीएमएमसी मीटर्स एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, दैट मींस इट विल मेजर आई एवरेज, और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यहाँ आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, दैट इज आई आरएमएस। आई इज इक्वल टू आई नॉट
plus I1 sin omega 1t plus I2 sin omega 2t. तो यहाँ पर PMMC instrument की जो reading होगी that will be I0 only, that means 6 amperes. Next is question number 18. An AC meter of resistance RM and reactance XM is connected in series with a resistance RS. A shunt of this impedance is applied in parallel to the existing combination of meter and RS. The current division across the two branches will be independent of frequency when. यहाँ पर हमें एक मीटर गिवन है जिसका रेजिस्टेंस है RM और XM उसका रिएक्टेंस है एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस RS और इस मीटर के पैरेलल में एक इम्पीडेंस कनेक्टेड है RSH प्लस JXSH और क्वेश्चन में पूछा है कि इन दो ब्रांचेस में जो करंट फ्लो करेगा वो किस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होगा. सपोज दिस इज मीटर करंट IM एंड दिस इज द शंट करंट ISH. ये दोनों करंट फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट किस कंडीशन में होंगे. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी इन एमीटर्स. फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से मीटर में कुछ एरर प्रोड्यूस होता है और इस एरर को रिमूव करने के लिए जो कंडीशन है दैट इज द रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस रेशियो शुड बी सेम इन बोथ द ब्रांचेस. कहने का मतलब XM डिवाइडेड बाय RM प्लस RS यानी कि इस ब्रांच का जिसमें मीटर कनेक्टेड है और मीटर के साथ RS रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसका रिएक्टेंस XM डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस RM प्लस RS. दिस शुड बी इक्वल टू XSH डिवाइडेड बाय RSH शंट ब्रांच के रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशो. ये दोनों रेशोस इक्वल होने से जो करंट्स इन दो ब्रांचेस में फ्लो करेंगे दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की वजह से होने वाला एरर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. हम इसे करंट डिवीजन रूल लगा के सॉल्व भी कर सकते हैं. सपोज दिस करंट इज आई तो आई एम विल बी इक्वल टू I into impedance of this shunt branch divided by total impedance. इन दोनों branches के impedance का sum कर देंगे RM plus RS plus RSH plus JXM plus XSH. Similarly, ISH will be equal to I into impedance of this meter branch RM plus RS plus JXM divided by total impedance RM plus RS plus RSH plus JXM plus XSH. Now, अगर हम IM और ISH को डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट RSH plus JXSH divided by RM plus RS plus JXM. और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ RSH square plus XSH square divided by RM plus RS का होल स्क्वायर प्लस XM का स्क्वायर. और यहाँ से RSH को अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस XHS अपॉन RSH का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में RM प्लस RS को आप अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस XM अपॉन RM प्लस RS का होल स्क्वायर. तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करें कि ये रेशो XH डिवाइडेड बाय RSH और ये रेशो XM डिवाइडेड बाय RM प्लस RS ये दोनों अगर इक्वल हो जाएं तो ये पूरा टर्म विल बी इक्वल टू 1. तो IM और ISH का जो रेशो है वो हो जाएगा RSH डिवाइडेड बाय RM प्लस RSH विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों ब्रांचेस के रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशो अगर इक्वल हो जाता है तो करंट डिवीजन इन बोथ द ब्रांचेस बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ऑप्शन ए को आप ऑब्जर्व कीजिए. गिवन है XM डिवाइडेड बाय RM प्लस RS इस ब्रांच का रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू XSH डिवाइडेड बाय RSH. दैट मींस इस ब्रांच का रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो दोनों इक्वल है. That means option A here is the correct answer. Next is question number 19. 2 meters
X and Y required 40 milliampere and 50 milliampere respectively for full scale deflection. Then which of the following is correct? Do meters given hai X or Y aur in dono ka full scale deflection current given hai. X ka full scale deflection current given hai 40 milliampere aur Y ka IFS is given 50 milliampere. Aur options mein sensitivity ki baat ki gayi hai. Sensitivity of the meter is inversely proportional to the full scale deflection. Jis meter ka full scale deflection reading low value hoga, uska sensitivity high hoga. Aur jiska full scale deflection reading high value hoga, uska sensitivity low hoga. Yahan par meter X ka full scale reading 40 milliampere hai. That means it is less value. Therefore, sensitivity of meter X will be high and sensitivity of meter Y will be low. तो यहाँ पर option C में आप देखिए, given है कि X is more sensitive than Y. This is the correct statement. Therefore, option C here is the correct answer. Next is question number 20. In indicating instruments, the springs are mainly used to. Indicating instruments में springs को किस लिए use किया जाता है? Springs को use करते हैं controlling torque provide करने के लिए. और मैंने आपको बताया था कि ये controlling torque pointer के movement को control करता है. एक तो जब deflecting torque और controlling torque दोनों equal हो जाएं, तब ये pointer को balance position में लेके आता है. और जब deflecting torque absent हो जाता है, तब ये pointer को वापस zero initial position पर लेकर आता है. तो यहाँ option C में given है that the springs are mainly used to control the pointer movement. This is the correct answer. इस session में हम यहाँ पर ही खत्म करेंगे. Next class में आगे के questions के साथ continue करेंगे. I hope कि आप सभी की preparation बहुत अच्छी चल रही होगी और हम जो lectures आपके लिए लेके आ रहे हैं वो आपके लिए preparation में beneficial हो रहे होंगे. तो अगर आपको हमारे lectures अच्छे लग रहे हैं तो video को like ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ share करें. And thank you very much for watching this video.